बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज की शादियां जितनी सुर्खियां बटोरती हैं, उतनी ही सुर्खियां उनके तलाक की भी बटोरती हैं। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आपको बता दी कि डाइवोर्स लेते वक्त इन सेलेब्स की एक्स वाइफ ने एलिमनी के तौर पर मोटी रकम मांगी। ये एलिमनी भी काफी चर्चा में रही है। सेलेब्स को तलाक के बदले तगड़ी एलिमनी चुकानी भी पड़ गई है। आइए जानते हैं इन सेलेब्स के बारे में जिनका डाइवोर्स था सबसे महंगा। सबसे पहले बात करते ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बारे में। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और उनके एक्स वाइफ सुजैन खान की 14 साल पुरानी शादी साल 2014 में ही खत्म हो गई। इन दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया। एलिमनी में सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से मोटी रकम मांगी थी। हालांकि एक्टर ऋतिक रोशन ने ट्वीट कर इन सभी बातों को अफवाह ही बताया था। ऐसे में इन दोनों के डाइवोर्स में सुजैन खान की एलिमनी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। अब बात करते सैफ अली खान और अमृता सिंह के बारे में। बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले एक्टर सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी एक्ट्रेस अमृता सिंह का साल 2004 में तलाक हुआ। तभी एलिमनी में अमृता सिंह ने सैफ अली खान से 5 करोड़ रुपए मांगे थे। एक्ट्रेस अमृता सिंह से तलाक लेने के बाद एक्टर सैफ अली खान ने साल 2012 में एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी कर ली। अब बात करते संजय दत्त और रिया पिल्लई के बारे में। बॉलीवुड के खलनायक कहे जाने वाले एक्टर संजय दत्त ने साल 1998 में अपनी दूसरी पत्नी यानी कि रिया पिल्ले को तलाक दे दिया था। रिया से तलाक के बाद आज भी उनका खर्चा उन्हें उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा एलिमनी में संजय दत्त ने रिया पिल्ले को सी फेसिंग अपार्टमेंट और लग्जरी कार भी दी थी। इसके बाद दोस्तों बात करते करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने साल 2016 में बिजनेसमैन संजय कपूर से तलाक ले लिया था। तभी उनके दोनों बच्चों के नाम पर संजय कपूर ने 14 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद कर दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि एलिमनी के रूप में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को संजय के पिता ने एक घर भी दिया था। अब बात करते फरहान अख्तर और अधूना भवानी के बारे में। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर का अपनी पहली पत्नी अधूना के साथ साल 2016 में डाइवोर्स हुआ। तभी अधूना को एक्टर फरहान अख्तर ने मंथली एलिमनी के बजाय एक मुफ्त एलिमनी दे दी थी, लेकिन इसका खुलासा नहीं हुआ कि आखिर उन्होंने कितनी रकम दी थी। तो वही रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जाता है कि एक्टर फरहान अख्तर ने अधूना को एलिमनी के साथ 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला विपाशना भी दे दिया था। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।